हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बी फॉर्म फोर सेमेस्टर 2021 एंड 2022 का पेपर देखने वाले हैं। और आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वह है फार्माकोलॉजी फर्स्ट। पेपर 3 घंटे की होती है। पेपर आपको 75 मार्क्स के होते हैं, बाकी 25 मार्क्स आपको इंटरनल से जाते हैं। आज का लेक्चर का जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लेकिन वह पासवर्ड प्रोटेक्टेड है तो आपको पासवर्ड इस वीडियो में मिल जाएगा, आप इजिली उसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आई होप कि आपको पीडीएफ को डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है अगर आप इस वीडियो को देखते हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग पार्ट फर्स्ट यानी सेक्शन ए की तरफ। सेक्शन ए में जितने भी क्वेश्चन होते हैं सभी करने होते हैं। इसमें सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन का ए क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। इसमें देखिए दो क्वेश्चन पूछा गया है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों पूछा गया है ऑफ ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक, तो इसमें आपको डिसएडवांटेज और एडवांटेज दोनों बताना है। तो आपको यहाँ पे एडवांटेज देखने को मिल जाएगा और थोड़ा आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे डिसएडवांटेज ऑफ ओरल रूट ऑफ ड्रग्स आपको मिल जाएगा। तो आपको इसी तरह क्वेश्चन का सोल्यूशन लिखना है, दोनों को अलग अलग करके लिखना है, ठीक है, क्योंकि इसमें दो क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डिफाइन टर्म बायो अवेलेबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे आपको बायो अवेलेबिलिटी के बारे में बताना है, क्योंकि यहाँ पे आपको बायो अवेलेबिलिटी के डिफिनेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन हमारा है इलिबरेट थेरेपेटिक इंडेक्स एंड सिनर्जी। यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे थेरेपेटिक और इंडेक्स के बारे में, और आपको सिनर्जीज के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थेरेपेटिक इंडेक्स के बारे में बताया गया और यहाँ पे आपको सिनर्जीम के बारे में बताया गया। इससे दोनों क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ पे देखने को आपको मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थीसिया। ठीक है, इसमें आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताना है लोकल एनेस्थीसिया का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा लोकल एनेस्थीसिया का जो भी मैकेनिज्म हो। क्वेश्चन हमारा है डेमोस्ट्रेट द सिंथेसिस स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ एड्रेनालिन डायग्रामेटिकली। यहाँ पे आपको डायग्राम के थ्रू आपको बताना है यहाँ पे सिंथेसिस, ठीक है, स्टोरेज और रिलीज ऑफ एड्रेनालिन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट नहीं बताना है आपको, बस डायग्राम के थ्रू ही बताना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इनलेस ड्रग यूज फॉर ओपन एंगल ग्लूकोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डिफाइन एंड क्लासिफाई न्यूरो ट्रांसमीटर। यहाँ पे आपको न्यूरो ट्रांसमीटर का पहले टाइप भी लिखना है और डिफाइन भी करना है। तो यहाँ पे आपको टाइप देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे आपको डिफिनेशन भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो है न्यूरो ट्रांसमीटर्स का वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन हमारा है कंपेयर जनरल एंड लोकल एनेस्थेटिक एजेंट। यहाँ पे आपको कंपेयर करना है लोकल और जनरल एनेस्थीसिया के बारे में। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और इससे आपको काफी कुछ सीखने को भी मिलता है। तो आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे जनरल एनेस्थीसिया है और यहाँ पे आपको लोकल एनेस्थीसिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्लासिफाइड ड्रग्स फॉर अल्जाइमर डिजीज। ठीक है, इसमें आपको अल्जाइमर डिजीज का ड्रग्स के बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कंपेयर ड्रग एडिक्शन। ठीक है, यहाँ पे ड्रग एडिक्शन और हैबिचुएशन दोनों में डिफरेंस आपको बताना है। ठीक है, तो आपको एग्जाम में ऐसे ही टेबल फॉर्मेट में ही लिखना है। इस तरह से हमारा सेक्शन ए कम्प्लीट होता है। अब चलिए हम चलते हैं सेक्शन बी की तरफ, और सेक्शन बी यानी पार्ट बी की तरफ। और पार्ट बी यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन वेरियस ड्रग रिसेप्टर सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले वेरियस ड्रग्स रिसेप्टर के बारे में बताना है। ठीक है, उसके बाद से आपको सिग्नल ट्रांसमिशन मैकेनिज्म के बारे में बताना है। तो वेरियस ड्रग्स जो रिसेप्टर है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और जो यहाँ पे सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म है वो यहाँ पे आपको सबका मैकेनिज्म देखने को मिल जाएगा। जैसे जी प्रोटीन कपलेट रिसेप्टर, ठीक है, और यहाँ पे आयन चैनल, ठीक है, ट्रांसमेम्ब्रेन एंजाइम लिंकेज, ठीक है, यहाँ पे आपको ट्रांसमेम्ब्रेन जैक एंड एस्टेट बाइंडिंग रिसेप्टर, ठीक है, और यहाँ पे रिसेप्टर रेगुलेटर जीन एक्सप्रेशन, और यहाँ पे फाइनली आपको न्यूक्लियर रिसेप्टर, ठीक है, जीन रेगुलेशन जिसको बोला जाता है। जैसे जो भी मैकेनिज्म है वो आपको देखने को मिल जाएगा। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें आपको दो क्वेश्चन करने होता है, तीन क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैं यहाँ पे तीनों क्वेश्चन को कवर किया हूँ जिससे आपको चॉइस करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। यहाँ पे आपको समराइज करना है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स के बारे में एंड देयर मैकेनिज्म। यहाँ पे आपको मैकेनिज्म भी लिखना है, ठीक है, एक्सप्लेन फार्माकोलॉजी ऑफ सोडियम वल्फोरेट। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स के बारे में आपको बताना है, ठीक है, और उसका मैकेनिज्म के बारे में बताना है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा एंटी एपिलेप्टिक जो ड्रग्स है उसके बारे में, और थोड़ा नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे मैकेनिज्म भी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद से आपको सोडियम वल्फोरेट के बारे में यहाँ पे पूछा गया है, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको इंडिकेशन ओरल लेवल्स यूज आपको बताना है और इसका मैकेनिज्म भी आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्लासिफाई ओपॉइड्स एनाल्जेसिक, ठीक है, और डिस्कस फार्माकोलॉजी ऑफ मॉर्फिन। ठीक है, इसमें आपको दो क्वेश्चन इसमें भी पूछा गया है। सबसे पहले आपको क्लासिफिकेशन बताना है ऑप्टिकल एनाल्जेसिक के बारे में, ठीक है, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। डायरेक्ट आप नहीं लिखिए ऐसे ऑप्टिकल एनाल्जेसिक का क्लासिफिकेशन, क्योंकि थोड़ा इसके बारे में लिखेंगे तो टीचर को काफी अच्छा इंप्रेशन बनता है। फार्माकोलॉजी ऑफ मॉर्फिन, ठीक है, इसमें आपको फार्माकोलॉजी भी बताना है मॉर्फिन का। यहाँ पे आपको मॉर्फिन मिल जाएगा, ठीक है, जो कि मैकेनिज्म ऑफ फार्माकोलॉजिकल यूज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से हमारा सेक्शन बी भी कंप्लीट होता है, और मैंने तीनों क्वेश्चन
क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस कर दिया है, आप देख सकते हैं। और अब चलते हैं हम लोग सेक्शन सी की तरफ, और सेक्शन सी में आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं। और यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वह है इलस्ट्रेट वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन, ठीक है। इसमें आपको जो फैक्टर्स होते हैं ड्रग एब्जॉर्प्शन का वो बताना है, जैसे लिपिड, वाटर सोल्युबल, मॉलिक्यूलर साइज, पार्टिकल साइज, ठीक है, ये सब जो होते हैं वो आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्री क्लिनिकल इवोल्यूशन एंड डिस्कस वेरियस क्लिनिकल ट्रायल फेज, ठीक है। इसमें आपको प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल ट्रायल्स दोनों के बारे में आपको बताना है। सबसे पहले आपको प्री क्लिनिकल ट्रायल्स और नॉन क्लिनिकल ट्रायल्स जिसे बोला जाता है उसके बारे में आपको बताना है। यहाँ पे आपको प्री क्लिनिकल के बारे में बता देना है, और उसके बाद से जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं फेज 1, फेज 2, फेज 3 एंड फेज 4 का वो भी आपको बताना है, जो कि क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, ठीक है। तो सबका आपको एक्सप्लेन करना है ब्रीफ में। क्वेश्चन हमारा है क्लासिफाई एंटी कोलिनर्जिक, ठीक है, डिस्कस फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड यूज ऑफ एट्रोपिन, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आपको एंटी कोलिनर्जिक का क्लासिफिकेशन लिखना है, जो कि यहाँ पे आपको टेबल फॉर्मेट में मिल जाएगा। इसमें जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है डिस्कस फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड यूज ऑफ एट्रोपिन, ठीक है, इसमें एट्रोपिन का फार्माकोलॉजिकल एक्शन और फिर आपको यूज भी आपको बताना है, ठीक है, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अगर साइड इफेक्ट आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन में नहीं पूछा गया तो आप डेफिनेटली छोड़ भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है समराइज द स्टेप इन्वॉल्व इन न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमीटर ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमीटर का जो भी स्टेप है उसके बारे में बताना है, जैसे कि इंपल्स कंडक्शन, एक्शन ऑफ पोस्ट जंक्शन मेम्ब्रेन्स, जंक्शन एक्टिविटी, ठीक है, ट्रांसमीटर ऑफ ट्रांसमिटेड एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक्सप्लेन वेरियस स्टेज ऑफ एनेस्थेसिया, ठीक है, जो भी स्टेप होते हैं एनेस्थेसिया देते टाइम उसके बारे में आपको बताना। प्री एनेस्थेटिक्स मेडिसिन, ठीक है, और जो प्री एनेस्थेटिक्स मेडिसिन है उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे आपको वेरियस स्टेप्स मिल जाएंगे जनरल एनेस्थेसिया का, ठीक है, जैसे कि स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। और यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है वह है प्री एनेस्थेटिक मेडिसिन, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्लासिफाइड ड्रग्स फॉर पार्किंसन डिजीज, इसमें आपको पार्किंसन डिजीज का ड्रग्स के बारे में बताना है और एक्सप्लेन लेवोडोपा थेरेपी, ठीक है, इसमें आपको लेवोडोपा का थेरेपी भी बताना है, तो आपको यहाँ पे लेवोडोपा देखने को मिल जाएगा, जिसका थेरेपेटिक एक्शन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डिस्कस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड यूज ऑफ बेंजोडाइजेपिन्स एंड बारबिट्यूरेट, इसमें आपको मैकेनिज्म एक्शन सबसे पहले लिखना है, ठीक है, उसके बाद से आपको फार्माकोलॉजिकल एक्शन लिखना है और एंड आपको यूज भी बताना है बारबिट्यूरेट एंड बेंजोडाइजेपिन का, आपको दोनों के बारे में बताना है। तो काफी लंबा क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन आपको सबको यहाँ पे बेंजोडाइजेपिन और यहाँ पे आपको बारबिट्यूरेट मिल जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आपको बेंजोडाइजेपिन मिल जाएगा, ठीक है। तो मोड ऑफ एक्शन और एडमिनिस्ट्रेशन और डोज एंड यूज के बारे में आपको बताना है। जिससे हमारा जो फार्माकोलॉजी का पेपर था वो कवर हो चुका है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए, वहां पे आपको बाकी सब जो भी पेपर है वो मिल जाएगा।